क्वेश्चन का लेवल कैसा था? क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था और हर जिला वाइज जो जोन होता है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया था जी। कट ऑफ आपका दोस्त कहीं भी नहीं जाने वाला है, ठीक है। जो भी 60 प्लस है वो सेफ है, अपने आप में सेफ समझिए, ठीक है। और आज से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। जय हिंद, राधे राधे, हर हर महादेव सभी को। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज दोस्त, आज 7 अगस्त था और आपका बिहार पुलिस 21391 वाली वैकेंसी का एग्जाम था। मेरा भी ड्यूटी लगा हुआ था सेंटर पे और बहुत सारे लड़का लोग और लड़की लोग से भी मिलना हुआ। तो सेंटर पे ये मतलब एंट्री से लेके एग्जिट तक हम वहीं पे थे सेंटर पे ही, ठीक है। और सबसे मेन टॉपिक जो है ना, शुरू से लेके लास्ट तक बताने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और जिसका भी नेक्स्ट एग्जाम है वो भी इस वीडियो को देखिएगा और सीखने की कोशिश कीजिएगा क्या गलती हुआ है, क्या सही हुआ है, ठीक है। और कितना क्वेश्चन लड़का लोग टच किया है, नॉर्मलाइजेशन का क्या रहेगा, कट ऑफ कितना जा सकता है, क्वेश्चन का इजी मतलब किस टाइप का क्वेश्चन था, टोटल बताएंगे, ठीक है। देखिए बाबू, ऐसा है ना कि जब हम सेंटर पे थे ना तो 500 का स्ट्रेंथ था, ठीक है। जैसे सेंटर पे 500 का, 600 का, 700 का ऐसे करके स्ट्रेंथ बनता है कि कितना का क्षमता है उस सेंटर पे। 500 का स्ट्रेंथ था जहाँ पे मेरा ड्यूटी लगा होता। उसके बाद उसमें लड़की का संख्या सबसे पहले कम देखा गया। उसके बाद हम हर एक जगह पे संपर्क में थे, जहाँ पे भी मेरा साथी लोग था, दोस्त लोग था, लड़का लोग था, वहाँ पे हम हर एक जगह पे संपर्क में थे कि भाई लड़का का क्या संख्या है, लड़की का क्या संख्या है, किस टाइप से मतलब एग्जाम चल रहा है, माहौल कैसा है, क्या चोरी हुआ है या क्वेश्चन लीक हुआ है कहीं से। बाबू, ऐसा कहीं से भी कुछ भी देखने के लिए नहीं मिला। सबसे पहली बात, हम खुद लगे हुए थे कि कहीं से क्वेश्चन मार लीक तो हो, कम से कम हम देखें तो सही कि भाई क्वेश्चन का लेवल क्या है, लेकिन क्वेश्चन कहीं से भी लीक नहीं हुआ, ठीक है। काहे कि माहौल ही इतना टाइट बना दिया था ना आप लोग, इतना टाइट माहौल बना दिए थे कि आज तक ऐसा माहौल हम कभी नहीं देखे थे, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और जितने भी पढ़ने लिखने वाले लड़का है, सेंटर से एग्जिट लिया वो, उसके बाद उससे पूछे कि बाबू क्वेश्चन का लेवल कैसा था, किस टाइप का क्वेश्चन था, बता रहा है कि भैया 65+, 70+, 75+ ऐसे करके लड़का बता रहा है। तो इससे ये चीज़ हम पूछे कि लेवल, बोला कि बहुत ईजी था। हम बोले कि क्या 9th और 10th बेसिस से आया है क्वेश्चन, बोला कि हाँ भैया आया था। और बहुत सारे लड़का लोग लड़की लोग हमें पहचान रहे थे, वो बोला कि भैया आपके PDF से मतलब अच्छा खासा क्वेश्चन, जितना आप बताए थे कि 50 से 60 क्वेश्चन रहेगा, उतना क्वेश्चन अगर कोई 5000 पूरा क्वेश्चन को अगर रट लेना, बढ़िया से पढ़ ले उसको, 100% वो रिजल्ट बना के आएगा। 50-60 क्वेश्चन ही नहीं, रिजल्ट बना के आएगा वो, ऐसे करके लड़का लोग लड़की लोग बोल रहा है, ठीक है। और इसका स्क्रीनशॉट हम टेलीग्राम के ग्रुप में भी डाल दिए हैं, ठीक। अब बात करते हैं आपके सॉल्वर गैंग का। बाबू, हमारे ही थाना अंतर्गत जहाँ मेरा होम टाउन है, यानी कि खगड़िया जिला, परबत्ता थाना लगता है मेरा, ठीक है, वहीं से सॉल्वर गैंग गिरफ्तार हुआ है। 7 गो को वहाँ से परबत्ता थाना गिरफ्तार किया है आज ही, OMR सीट के साथ, क्वेश्चन के साथ, जो कि फर्जी था, बिल्कुल फर्जी था, ठीक है। ओनली फॉर माहौल बनाने के लिए यह सब किया गया था। मतलब प्रीवियस ईयर का दरोगा का जो क्वेश्चन था ना, उसको सॉल्व करवा रहा था 70 लड़का को, कैंडिडेट को बैठा के, ठीक है, जिसमें लड़का भी था, लड़की का भी संख्या था। तो ये सब माहौल बनाने का एक साजिश था। उसके बाद हमारे यहाँ भी जमुई में भी 2-3 मुन्ना भैया पकड़ाए हैं, बाकी उसका भी अब खातिरदारी होगा 10 साल के लिए और 3 साल के लिए CSBC बैन है, बाकी 10 साल अब जेल में और जुर्माना भी ठोकाएगा उसके ऊपर। तो ये सब चीज़ हर एक जगह से देखने के लिए मिला है। अब आप लोग पूछ रहे हैं कि भैया क्वेश्चन का लेवल, भाई क्वेश्चन का लेवल बिल्कुल 9th और 10th बेसिस पे, ठीक है। और हर एक जगह से क्वेश्चन, मतलब कि हर एक जिला का ना क्वेश्चन अलग अलग है, ठीक है। अब आपको बता देते हैं कैसे। कोई खास आदमी मेरा एग्जाम दे रहा था, ठीक है, उसको हम पूछे कि बाबू क्वेश्चन कैसा था, तो वो बताया कि मतलब दरभंगा साइड में, मधुबनी साइड में क्वेश्चन का लेवल मतलब कुछ और टाइप था। हम आपको बता देते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और किस किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, जो भी 7 तारीख के डेट में, यानी आज के डेट में दरभंगा मधुबनी साइड एग्जाम दिए हैं, उसके क्वेश्चन इस टाइप से आया। हिंद स्वराज का लेखक महात्मा गांधी, ऋग्वेद में कितने नदियों का वर्णन है, भारत राज्य का संघ है ये किस आर्टिकल में है, खेरा सत्याग्रह कब हुआ था, सोमेश्वर की पहाड़ी कहाँ स्थित है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं, सांसद क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन आज के एग्जाम पेपर में आया था, वो भी अलग जोन से, मधुबनी दरभंगा के जोन से, ठीक है। बाकी जो सिवान साइड पूछा गया था, इस टाइप का क्वेश्चन आया है, मंदार पर्वत, सिल्क सिटी भागलपुर के बारे में, अपवर्तन का नियम, झारखंड कब अलग हुआ था, शिव पूजन सहाय का बचपन का नाम क्या था, कोबाल्ट 60 क्या है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। इस तरह से हम कह सकते हैं बाबू कि हर एक डिस्ट्रिक्ट से हर एक टाइप का क्वेश्चन बना है, ठीक है। अलग जिला में अलग अलग लेवल का क्वेश्चन आया था। देखिए, ये क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है, ये क्वेश्चन एग्जाम होने के बाद आया है और ये भी ग्रुप में आया है कोई, तो उसमें लिखा हुआ एक समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 28 सेंटीमीटर² है और उसका आधार 7 सेंटीमीटर है, समानांतर चतुर्भुज की ऊंचाई, यानी कि कुल मिला के बोल सकते हैं बाबू कि जिस तरह से CSBC ये बोला था कि हम 9th और 10th बेसिस से आपका एग्जाम
लेंगे बिल्कुल उसी टाइप से लिया है, ठीक है। और लड़का और लड़की जितने भी पढ़ने लिखने वाले हैं ना, काफ़ी ज़्यादा इस वजह से खुश है कि वो कम से कम 70+ क्वेश्चन को टच करके आया और निकाल के। अब एक जगह से कोई लड़का बोल रहा था कि भैया क्वेश्चन का लेवल टफ था, हो सकता है, हम मानते हैं कि कहीं का भी क्वेश्चन का लेवल टफ हो सकता है, ऐसा नहीं है। इसी वजह से तो नॉर्मलाइजेशन और परसेंटाइल जो भी है वो मतलब लागू किया गया है। तो सेम यही होने वाला है बाकी 11 तारीख के डेट में जिसका भी एग्जाम है, बाबू जितना ज़्यादा हो सेट मारिए। और अभी मैराथन चल रहा है आपके अमित तिवारी सर का, उनका भी मैराथन देख लीजिए, एक दो दिन आपके आपके पास समय है। बाकी 18 तारीख, 21 तारीख, 25 तारीख और 28 तारीख जिसका भी एग्जाम है उसके पास अपॉर्चुनिटी है, मौका है। इसी लेवल का क्वेश्चन नेक्स्ट एग्जाम में भी आने वाला है। और कहीं से भी अगर कहीं भी माहौल बनता है कि भाई क्वेश्चन वायरल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, मेरे पास दो आंसर शीट आया, अब आपको बताते हैं। दो आंसर की आया मतलब 75 क्वेश्चन सोल्व करके, ठीक है। हम पूछे ऐसा क्या है, कहीं से भी पता नहीं चला, ठीक है। बस प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आंसर उठा उठा के सब ऐसे ग्रुप में डाल दे रहा है एक माहौल बनाने के लिए, ठीक है, और कोई भी बात नहीं है। तो लड़का आज जिसका भी आज एग्जाम हुआ उसको लग बधाई है भाई। हम महादेव से बस प्रे करते हैं कि आपका एग्ज़ाम निकल जाए, ठीक है। तो ये जितने भी है ना जो एजुकेशनल टीचर हैं या फिर फिजिकल के टीचर हैं, ये बस माहौल बनाने में अभी अपना भौकाल बनाने में लगे हुए हैं, ठीक है, कि मेरे सेट से ये आया, मेरे सेट से वो आया। भाई मेरा भी सेट से आया ना, हम भी तो PDF डालते थे, हम भी डेली टेलीग्राम पे क्विज करवाते, तो हम भी तो बोलेंगे कि भाई हम लड़का को ऐसे तैयारी करवाए। और लड़का लोग बोलता है कि भैया सब आपका कृपा है, तो तसल्ली थोड़ा हमें भी मिलता है, दिल को खुशी हमें भी मिलता है कि हाँ भाई कम से कम लड़का इतना तो बोल रहा है भाई। और हाँ ये चीज़ रियलिटी है भाई, लड़का और लड़की लोग के पीछे हम काफ़ी ज़्यादा मेहनत किए हैं इस लेवल से, ठीक है। पर डे ग्रुप में 3 टाइम क्विज करवाना ड्यूटी करते हुए, उसके बाद आप लोग के लिए वीडियो बनाना, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। वीडियो बना के एडिट करना, फिर अपलोड करना, उसके बाद आप लोग के डाउट का जवाब देना बहुत टफ होता है, ठीक है। उसके बाद भी निगेटिविटी मिलती है, खैर कोई बात नहीं, उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन भौकाल अपना भी है, ठीक है। तो PDF पढ़ना है सबसे ज़्यादा, ठीक है, और सेट मारना है। उसके बाद जो भी आज एग्जाम दिए हैं 7 तारीख को, कट ऑफ के बारे में अगर बात करें, देखिए क्वेश्चन ईजी था, कट ऑफ थोड़ा जाएगा, बढ़ेगा कट ऑफ, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कट ऑफ आपका कम होगा। हाँ ज़्यादा नहीं बाबू, जो भी 60+ कर लिया है ना, बस फिजिकल आज से शुरू कर देना है, रुकना नहीं है, ठीक है। बिकॉज आप लोग को पता है कि बिहार पुलिस का फिजिकल मतलब मैरिट, रिटर्न आपका बस ओनली फॉर क्वालिफाई, ठीक है, समझ रहे हैं ना। एग्ज़ाम निकालेंगे तो आप क्वालिफाई करेंगे, आप फिजिकल देने के लायक होंगे, ठीक है, लेकिन फिजिकल आप निकालिएगा तभी आपका मैरिट बनेगा, यानी आप बिहार पुलिस ज्वाइन करेंगे। तो जितने भी लड़का लोग लड़की लोग आज से एग्ज़ाम दिए हैं, और आज से फिजिकल शुरू कर दीजिए आप लोग, ठीक है, बिकॉज समय बहुत कम है और बहुत जल्द इसको भी निपटा दिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी आपका 20,000 का है, जिसमें 2,000 आपका दरोगा है और 18 से 19,000 के समथिंग में आपका कांस्टेबल है, ठीक है। हम आपसे ये पूछ रहे थे कि मतलब कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था। क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान था और हर जिला वाइज जोन होता है ना, क्वेश्चन चेंज हो गया था जी, क्वेश्चन सबका समझिए तो चेंज हो गया था, और क्वेश्चन बहुत अच्छा था, इसीलिए तो 70+ के आसपास में टच कर दिया है। 70+ के आसपास में हम जिस सेंटर पे मतलब एग्जाम दिलवा रहे थे लड़का का, जहाँ मेरा ड्यूटी लगा था, हर जगह का जोन का और जिला का क्वेश्चन मतलब चेंज हो गया है, और हर एक लड़का और लड़की लोग यही बोल रहा है कि लेवल ठीक ठाक था, बिल्कुल 9th और 10th बेसिस पे एग्जाम ले रहा आपका, ठीक है। और हर सब कोई मतलब कि 70, 75, 65, 70 के आसपास में मतलब उसको टच करके आया है क्वेश्चन को। बाकी तो बाकी क्वेश्चन छोड़े कितने था, मतलब कि मान लेते हैं कि 70 आप एकदम सटीक सही किए हैं, उसके बाद तुक्का मारे होंगे 30 गो में, तो उसमें कम से कम मान लेते हैं नहीं हो नहीं हो तो साला 5 गो का 7 गो सही होगा ना। उस 30 गो में भी फिर से किए हैं तो 6 गो उसमें भी कंफर्म है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपको, ठीक है, और फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए दोस्त आप, ठीक है। इसी के लिए संतुष्टि नहीं था, देखिए आप संतुष्टि मिला, बिल्कुल बिंदास रहिए, बिंदास रहिए भाई, जो होगा कहीं से भी दिक्कत होगा तो भाई आपका खड़ा है आपके साथ, ठीक है, ठीक है भाई, ठीक। देखिए कोई लड़का फ़ोन कर दिया था और उससे बस जानना चाह रहे थे, तो ऐसे फ़ोन आते रहते हैं, ठीक है, और अच्छा लगता है ये सब सुन के। बस तैयारी करो दोस्त, ठीक है, सेट मारो ज़्यादा से ज़्यादा और PDF का तैयारी करो, ठीक, PDF पढ़ो आप लोग। कट ऑफ आपका दोस्त कहीं भी नहीं जाने वाला है, ठीक है, जो भी 60+ है वो सेफ है, अपने आप में सेफ समझिए, ठीक है। और आज से फिजिकल की तैयारी शुरू कर दीजिए, और नॉर्मलाइजेशन होगा, सबका होगा, बस अब देखना है 11 तारीख को कैसा एग्जाम होता है और किस टाइप से होता है, ठीक है, तैयार रहिए,
हिम्मत रखे, ठीक है? कहीं से भी किसी तरह का डाउट हो तो भाई आपका हमेशा आपके साथ तैयार है, ठीक है? और लड़का लोग, लड़की लोग, आप लोग भी एग्जाम दीजिए। बहुत सारा यार, बहुत ज़्यादा लड़का और लड़की लोग एब्सेंट मार रहा है यार, इतना ज़्यादा कभी हम देखे भी नहीं थे। रीज़न पता क्या है? सेटिंग नहीं बैठ रहा है, बस इस वजह से एब्सेंट हो रहा है, ठीक है? तो जिसको भी किसी तरह का दिक्कत हो तो मेरा व्हाट्सअप नंबर यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, टेलीग्राम का लिंक पड़ा हुआ है, ठीक है? हम वहाँ पर अपडेट देते रहते हैं, सबसे ज़्यादा हम टेलीग्राम पर मतलब अपडेट रहते हैं खास करके, और किसी भी तरह का अपडेट आता है तो हम वहाँ पे टेलीग्राम पे देते रहते हैं, ठीक है? आप भी टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, दीपक बिहार वाला मेरे टेलीग्राम का चैनल है, ठीक है? वहाँ पे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम का, और व्हाट्सअप नंबर भी मिल जाएगा, ठीक? जिसको भी पीडीएफ लेना है वो पीडीएफ ले सकते हैं, 476 पे करना पड़ेगा। उसके बाद टेलीग्राम पे अभी डेली क्विज चल रहा है, सेट लगाना है जिसको भी, वो ऐड हो जाइए, ठीक है? और किसी तरह का किसी को दिक्कत हो तो बाबू एक बार मैसेज कर देना, कमेंट कर देना, ठीक है? मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।